कि मैं 46 साल से कांग्रेस का काम कर रहा हूं, कांग्रेस का एकनिष्ठ हूं, एक में हूं मैं, कांग्रेस का एकनिष्ठ पोखरे के अंदर से काम कर रहा हूं, जो ज्यादा लंबे समय से काम कर रहा हूं इस शहर के अंदर, इसलिए पूर्व का टिकट मुझे देना चाहिए। और मैं हर समाज के अंदर गंगा जमुनी संस्कृति के अंदर से काम करने वाला हूं, मैं हर समाज के अंदर काम करते आया हूँ, हर समाज के लोग मुझे जुड़े हुए, इसलिए कांग्रेस का टिकट मुझे देना चाहिए। ऐसे मैंने हमारे यहाँ के जो निरीक्षक आए वो निरीक्षक को बोला, अब जो पार्टी हाईकमान जो ठहराएगी वो उस जिससे जो टिकट मिलेगा उसका काम करेंगे, हमको मिलेगा तो हम जिंदाबाद करके काम करेंगे, सब लोग हमारे मोहब्बत से काम करेंगे, और जिसको भी मिलेगा उसका भी काम करेंगे। एमआईएम ये कांग्रेस के हमारे थोड़ी बहुत गलती की वजह से एमआईएम आती है। यहाँ जो है एमएलसी का टिकट कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को दिया नहीं, विधानसभा के मुलाकात के लिए हमारे डॉक्टर माइनॉरिटी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर वजाहत मिर्जा ये मुलाकात के लिए आए हैं। पहली मुलाकात मेरी हुई, उस मुलाकात में हमारे दो जिले के खासदार कल्याण जी काले साहब, शहर के अध्यक्ष यूसुफ शेख यूसुफ साहब, और तीनों ने ऐसी मुलाकात ली, और मुलाकात में ये बताया गया कि मैंने कि मैं 46 साल से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, कांग्रेस का एकनिष्ठ हूँ, एक में हूँ मैं, कांग्रेस का एकनिष्ठ पोखरे के अंदर से काम कर रहा हूँ, जो ज़्यादा लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ इस शहर के अंदर, शहर के हर अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के टाइम से हमारा सैयद अकरम मेरे मजहब शहर अध्यक्ष थे, उस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बहुत से जो कार्यकर्ते मेरे सामने हमारे साथ में जो हम अनिश पटेल साहब है, हमारे जाकिर है, हमारे अशोक पगार जो पुराने कांग्रेसी है, ये सब पूरे यहाँ से वहाँ से मेरे यूनुस हो गए, पूरा शिवनाथ राठी हमारे फाउंडर उस जमाने के 78 के, हम 77 में कांग्रेस में आए और 78 में कांग्रेस बनी, उसके फाउंडर हमारे उपाध्यक्ष है, हमारे मेरे टाइम में भी उपाध्यक्ष रहे हुए शिवनाथ राठी, इसलिए पूर्व का टिकट मुझे देना चाहिए। और मैं हर समाज के अंदर गंगा जमुनी संस्कृति के अंदर से काम करने वाला हूँ, मैं हर समाज के अंदर काम करते आया हूँ, हर समाज से लोग मुझे जुड़े हुए, इसलिए कांग्रेस का टिकट मुझे देना चाहिए। ऐसे मैंने हमारे यहाँ के जो निरीक्षक आए वो निरीक्षक को बोला, अब जो पार्टी हाईकमान जो ठहराएगी वो उस जिससे जो टिकट मिलेगा उसका काम करेंगे, हमको मिलेगा तो हम जिंदाबाद करके काम करेंगे, सब लोग हमारे मोहब्बत से काम करेंगे, और जिसको भी मिलेगा उसका भी काम करेंगे। एमआईएम ये कांग्रेस के हमारे थोड़ी बहुत गलती की वजह से एमआईएम आती है। यहाँ जो है एमएलसी का टिकट कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को दिया नहीं, एक थोड़ा रोष हो, अगर मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देता तो एमआईएम के लोग मुस्लिम का मतलब एमआईएम को जाता है, मगर मुस्लिम समाज को अगर हम यहाँ टिकट दिया जाएगा, कांग्रेस के मुस्लिम को टिकट दिया जाएगा, कांग्रेस के निष्ठावान आदमी को टिकट दिया जाएगा, जब आया जाराम गया राम को अगर टिकट नहीं दिया जाएगा, अगर आया राम गया राम अगर को नहीं टिकट दिया जाएगा तो बरोबर यहाँ कांग्रेस ही आएंगी, तीनों के सीट या नौ सीट, नौ के नौ सीट कांग्रेस के अलायंस के लोग आएंगे। आर एस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, बहादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सादिया फ्रॉम आर एंड एस यूनानी एंड आयुर्वेदिक फार्मा एंड मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर से गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाबी के साथ, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और गुड न्यूज़ उन पेशेंट्स के लिए है जो औरंगाबाद कन्नड़ तालुका के हैं, वो पेशेंट्स को अभी हैदराबाद आने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ उतनी उठाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सलमान BUMS अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आप लोग को जिस किसी को भी पथरी की शिकायत हो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मजीद तफसीलात के लिए 9960013800 पे कांटेक्ट करिए। डॉक्टर सलमान।